मंडी जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा ब्लॉक लेवल पर 11 युवा वॉलंटियर्स की भर्ती की जा रही है, जिसके लिए विभाग द्वारा 7 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। डीएसओ मंडी सुनील शर्मा ने बताया कि 8 अगस्त को डीएसओ कार्यालय में युवाओं का इंटरव्यू लिया जाएगा। डीएसओ मंडी सुनील शर्मा ने बताया कि मंडी जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा ब्लॉक लेवल पर 11 युवा वॉलंटियर्स की भर्ती की जा रही है, जिसके लिए 8 अगस्त को डीएसओ कार्यालय में युवाओं का वॉलंटियर्स के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक के युवा अप्लाई कर सकते हैं और यूथ वॉलंटियर्स का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। वह ब्लॉक लेवल के चयनित यूथ वॉलंटियर्स को विभाग की तरफ से उन्हें उनकी सेवाओं के लिए 2 वर्ष तक 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे और एक हेडक्वार्टर लेवल के यूथ वॉलंटियर्स को 6,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। से बोल रहा हूँ और हमारे यहाँ 2-2.5 के प्रोसेस चल रहे हैं। पहले तो हम यूथ वॉलंटियर रखने जा रहे हैं, जिनका हम इंटरव्यू 8 अगस्त को कंडक्ट करने जा रहे हैं। ब्लॉक लेवल जैसे कि मंडी जिले के 10 ब्लॉक हैं, तो 10 यूथ वॉलंटियर हर ब्लॉक से लिए जाएंगे, एक पर ब्लॉक एक एक लिया जाएगा और एक यूथ वॉलंटियर हम हेडक्वार्टर पे लिए रखेंगे। मतलब टोटल हम 11 वॉलंटियर्स रखेंगे 2 साल के कार्यकाल तक, और जिनका एज ग्रुप 21 से लेके 28 वर्ष के बीच में होना चाहिए। मतलब मार्च 2017 को वो 28 से कम होने चाहिए, और जैसे कि वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको 2 साल का कार्यकाल होगा और हर महीने जो ब्लॉक लेवल का यूथ वॉलंटियर होगा उसको हम 3,000 रुपया हम प्रति माह के हिसाब से देंगे, और जो हेडक्वार्टर का यूथ वॉलंटियर होगा हम 6,000 के हिसाब से देंगे। इसके अलावा डीएसओ मंडी सुनील शर्मा ने बताया कि मंडी जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा कंप्यूटर कोर्स सीखने के लिए युवाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए 28 वर्ष तक के युवा 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 7 चयनित युवाओं को हिप्पा डिपार्टमेंट के माध्यम से कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन केस अगर कोई यूथ वॉलंटियर का कार्यकाल अच्छा नहीं हुआ तो हम उसको 15 दिन का नोटिस देके उसकी सेवाएं रद्द कर सकते हैं। ये था इसके यूथ वॉलंटियर के बारे में। बाकी एक कोर्स हमारा कंप्यूटर का होने जा रहा है, 30 जुलाई तक हमने नाम मांगे हैं जो यहाँ से स्पॉन्सर होंगे। 7 जनों के नाम स्पॉन्सर करेंगे हम हिप्पा नेट को, वो उनको 1 साल की ट्रेनिंग देंगे, और अगर अभी तो फंडिंग हमें कुछ भी नहीं आया, जब तक फंड नहीं आएंगे तब तक तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, जैसे फंड आएंगे उसी हिसाब से पर कैंडिडेट को वितरण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।